अगर कोई औरत तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत कुरान भी करती है, सारी नेकियां करती है, लेकिन इस हाल में उसकी मौत आए कि उसका शोहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी, नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने अपने शोहर को नाराज किया। बल्कि यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया, कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो, उस जमाने में तवे नहीं थे यानी कि जैसे आज हैं, तंदूर पर रोटियां पकती थी, आका फरमाते हैं कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और उसका शौहर उसे अपनी जरूरत के लिए बुलाए, क्योंकि महफिल में सभी लोग हैं, मैं बहुत हया के पर्दे में हदीस पढ़ रहा हूं, औरत ने तंदूर पर रोटी डाल दी है और उसका शौहर अपनी जरूरत के लिए उसको बुलाए और औरत ना कह दे और शौहर नाराज हो जाए, तो जब तक वो शौहर को नहीं मनाएगी, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर उसी तरह लानत करते रहेंगे। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आजकल की औरतें तो शौहर को गालियां देती है, अगर शौहर गुस्से में कह दे कि तुझे तलाक दूंगा, तो वो उसका मुंह दबाने की बजाय या माफी मांगने की बजाय या उससे लजाजत करने की बजाय, आज की औरतें इतनी बेबाक हो गई है कि यहां तक हमने सुना है लोगों से, लोग आकर के बताते हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग आकर के बताते हैं कि शौहर ने कहा कि तलाक दूंगा, कहते अगर तेरे बाप का होगा तो दे के बता। अस्तगफिरुल्लाह, जो औरतें इस कदर बेबाक हो गई हो, ऐसी औरतें लानती है जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े पैदा हो जाए, पैदा हो जाए और उससे पीप बाए बाए करके निकल रहा हो और उसकी बीवी उसको जबान से चाट चाट कर साफ करे, तो भी बीवी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर का हक यह है बीवी पर कि अगर शौहर के बदन के जख्म को वो जबान से चाट कर साफ करे तो भी हक अदा नहीं कर सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं इसलिए औरतों को इजाजत नहीं, लेकिन औरत अपनी हर खुशी को अपने शौहर की खुशी पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर, अगर शौहर कह दे तुमने स्टोर नहीं जाना तो वो दिन भर औरतों का मूड ऑफ हो जाता है, शौहर कह दे तुमने माँ के यहाँ नहीं जाना तो झगड़ा करने लगती है औरतें, पता नहीं ये औरतें इतनी बेबाक कैसे हो गई। जिन औरतों को शोहर को सताते देखो समझ जाओ इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, क्योंकि औरतें अपने शोहर की नाशुक्री होती है, यानी उनको हर दिन हर चीज मिले और कभी ना मिले तो बस उनका एक जुमला तो ये आप सुन ही लेंगे कि जब से इस घर में आई हूँ मुझे कभी खुशी नहीं मिली, जब से इस घर में आई हूँ मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, हालांकि हर दिन पूरा हुआ। ये नाशुक्री सिर्फ शोहर की नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री है, और ऐसी औरतें जहन्नम में जाएगी। और फिर माँ बाप भी इतने बिगड़ गए, अल्लाह रहम करम फरमाए कि अगर बेटी शोहर का शिकवा लेकर के आती है तो माँ बाप कहते हैं बेटी हम कोई फकीर थोड़ी है, हम कोई जो है वो इतने गैर गुजरे थोड़ी है।